morning, students. Before 2 days, we studied about present simple tense and present continuous tense. Our third tense is present perfect tense. Present perfect tense is the third tense. अब present perfect tense क्या होता है? सबसे पहले तो वही हमारी हिंदी में पहचान, पहचान. चुका है, चुकी है, या कर लिया है, लिया वर्ड भी आता है इसके लिए. हो चुका है, जो काम अभी-अभी हुआ है, उसके लिए आता है present perfect tense, जो अभी-अभी काम खत्म हुआ है. Present perfect tense का जो rule है, वो है subject plus has or have. या तो हम has लगाएंगे या फिर have लगाएंगे, plus verb की third form लगेगी. क्या लगेगी? Verb की third form. अब सबसे पहले तो हम ये देख लें कि have और has किसके साथ में लगेगा. वही same चीज I, we, you, they, उनके साथ लगेगा have, H A V E, have. I, we, you, they के साथ लगेगा have. और he, she, it और कोई भी name है उसके साथ लगेगा has. ये आपको अच्छे से mind में ध्यान रखना है कि ये चीजें किसके साथ लगेगी. Have, has. वापस से देखें. I, we, you, they के साथ लगेगा have. He, she, it और name के साथ लगेगा has. अब हम आते हैं sentence पे. हम पढ़ चुके हैं. या तो आपने बोला कि हम पढ़ चुके हैं, या आपने बोला हमने पढ़ लिया है. सेम ही चीज हुई, हिंदी में सेम ही बात हुई. हमने पढ़ लिया है या हम पढ़ चुके हैं. तो हम के लिए आएगा वी. वी के साथ में लगेगा हैव. वी हैव और रीड. रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहती है. रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है ये होती है फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड बोलते हैं इसको. स्पेलिंग वही रहती है लेकिन उसको बोलते हैं रेड, और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं रेड. रीड, रेड, रेड. अब स्पेलिंग सेम है फिर भी प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट आता है. रीड, रेड, रेड. डस्टर इसके लिए आएगा यहाँ पर.